Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Alternative Objectives of Business Firms Besides Profit Maximization. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म के उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा और कौन कौन से अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम यहाँ पर एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। जब हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म की, तो उसका मेन पर्पज होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यानी कि हर एक बिजनेस फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के ऑब्जेक्टिव से वर्किंग में इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग अ मल्टीपल ऑफ गोल्स। बहुत सारे गोल्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क करने के पीछे, उनके बहुत सारे गोल्स होते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना उनमें से एक गोल होता है। इट इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं जो फर्म के ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड किए जा सकते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सिक्योरिटी प्रॉफिट्स। जब हम ओलिगोपोली मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें अगर कोई भी ओलिगोपोली फर्म है, देन दैट पर्टिकुलर फर्म इज एंगेज्ड इन अ कांस्टेंट स्ट्रगल टू अचीव एंड सिक्योर पोजीशन इन द मार्केट। यानी कि मार्केट में वो अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, वो एक पोजीशन को अचीव करने के लिए लगातार स्ट्रगल करती रहती है। क्यों? क्योंकि वहां फ्यू फर्म्स आर अवेलेबल और उन फ्यू फर्म्स के बीच में कंपटीशन लेवल इतना टफ होता है कि हर कोई अपनी पोजीशन को सिक्योर करना चाहता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन को अचीव करना चाहता है। ये जो सिक्योरिटी की डिजायर रहती है फर्म्स के बीच में, उसके बेसिस पर वो एक पर्टिकुलर प्राइस को डिसाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस को सेट करते हैं। और ये प्राइस ऐसा होता है, ना तो बहुत कम होता है और ना ही बहुत ज्यादा होता है। अगर बहुत कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो राइवल्स हैं उनकी तरफ से इसका विरोध किया जाएगा, दे विल अपोज इट, और एक कंपटीशन छिड़ जाएगा उनके बीच में प्राइस वॉर को लेकर, और इससे इनके प्रॉफिट के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा कम होने लगेंगे और इनके सर्वाइव होने की कंडीशंस भी कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्राइस कम प्राइस को भी सेट नहीं करते हैं, और अगर ये ज्यादा प्राइस को सेट करेंगे तो उसके इसमें क्या होगा, जो नए एंट्रेंट्स हैं वो उस प्रॉफिट को देखकर अपनी एंट्री को एंश्योर करना चाहेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में लूजिंग सिचुएशन आती है एग्जिस्टिंग फर्म के लिए, ना तो कम प्राइस सेट कर सकती है और ना ही वो ज्यादा प्राइस सेट कर सकती है। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं सिक्योरिटी मोटिव को एंश्योर करने के लिए वो एक पर्टिकुलर एक ऐसी रेंज सेट करती है प्राइस की, जिसके बेसिस पर वो एक स्टेबल प्रॉफिट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अर्न कर सके, जिससे कि वो अपने बिजनेस को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर सके। तो ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रहता है फर्म्स का, सिक्योरिटी प्रॉफिट को अर्न करना, जिससे कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो अपने ऑपरेशंस को उस बिजनेस में कंटिन्यू कर सके। ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मे बी सेल्स मैक्सिमाइजेशन। कोई भी पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अपने कंज्यूमर्स के बीच में पॉपुलराइज करने के लिए सेल्स मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी फॉलो कर सकती है। इससे क्या होगा, जब वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फोकस करेगी और अपनी सेल को मैक्सिमाइज करने में कामयाब हो जाएगी, तो उससे जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनका मोरल बूस्ट होता है, उनकी अर्निंग्स लगातार बढ़ती चली जाती हैं और उनकी सर्विस कंडीशंस लगातार इम्प्रूव्ड होती चली जाती हैं। किसी भी फर्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ये एक प्राइमरी कंडीशन रहती है। यानी सबसे पहले आपको अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करना होता है और इस सेल्स मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पर आप अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में कामयाब हो पाते हो और उसके साथ साथ प्रॉफिट को भी अर्न करने में कामयाब हो पाते हो।
अगर लार्ज बेसिस पर आप सेल कर रहे हो तो इससे क्या होगा, कंपनी की तो प्रेस्टेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कंपनी की तो गुडविल बढ़ेगी बढ़ेगी मार्केट में, लेकिन इसके साथ साथ मैनेजर्स की प्रेस्टेज भी बढ़ती है, और जो प्रॉफिट हो रहा है उस सेल्स की वजह से, उसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स है वो उसको क्या करते हैं, वो उसको और ज्यादा एनकरेज करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स भी लार्ज हो जाते हैं। देन दीज लार्ज प्रॉफिट्स आर अप्रोप्रिएटेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो कुल मिला के सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फर्म्स। ऐसे हम बात करते हैं अबाउट द थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। ये भी अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। जब हम लार्ज फर्म्स के मैनेजर्स की बात करते हैं, देन दीज मैनेजर्स एम्स एट बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ। ये ना तो बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट का टारगेट लेके चलते हैं और ना ही बहुत कम ग्रोथ रेट का टारगेट लेके चलते हैं, बल्कि ये एक बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ को कंसीडर करते हैं और इसके बेसिस पर ये रेट ऑफ ग्रोथ को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना चाहते हैं। अगर ये इनिशियल बेसिस पर हाई रेट ऑफ ग्रोथ को फॉलो करेंगे या लो रेट ऑफ ग्रोथ को फॉलो करेंगे, तो उस केस में रेट ऑफ ग्रोथ को मैक्सिमम लेवल तक नहीं ले जा सकता। केवल और केवल जब आप बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ को फोकस करते हो, लगातार एक रेट से आप ग्रो हो रहे हो, तो आप अपनी रेट ऑफ ग्रोथ को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक मैक्सिमम लेवल तक ले जाते हो और फर्म अपने आप को लगातार एक्सपेंड करती रहती है और फर्म अपने लॉन्ग रन सर्वाइवल को भी एंश्योर करती है। ये इसका बेनिफिट रहता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस मैनेजर्स सिक्योर्स हिज पोजीशन एंड दैट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट्स इन द आईज ऑफ हिज सुपीरियर्स। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन अपने रेट ऑफ ग्रोथ को लगातार इंक्रीज करती चली जाती है, तो जो मैनेजर्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी पोजीशन को सिक्योर करते हैं और उसके साथ साथ जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर्स की निगाहों में अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लेते हैं। एक्सपेंड अपनी ग्रोथ कैसे करेगी ऑर्गेनाइजेशन, लगातार वो नए नए मार्केट्स में एक्सपेंड करती चली जाती है, अपने ऑपरेशंस को नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड करती चली जाती है, लेकिन इसके लिए वो अपने फाइनेंशियल और मैनेजरियल रिसोर्सेस को ध्यान में रखती है और इन्हें ध्यान में रखते हुए वो लगातार नए नए मार्केट्स में एक्सपेंड करती है, नए नए प्रोडक्ट्स में एडिशन करती चली जाती है और इसके बेसिस पर अपनी ग्रोथ को मैक्सिमम ले जाने के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के डायरेक्शन में स्टेप्स फॉलो करती रहती है। ओके, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मे बी ऑफ द फर्म्स दैट इज सेटिस्फाइसिंग प्रॉफिट्स। मतलब एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पर प्रॉफिट को अर्न करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ना कि प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना। फर्म कभी कभी क्या सिचुएशन बनती है कि जो फर्म्स हैं वो अपने एफर्ट्स को इस लेवल तक फॉलो करती हैं या अपने आउटपुट को इस लेवल तक मेंटेन करती हैं जिससे उन्हें एक सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट होता रहे, उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट की चाहत नहीं होती है। दे आर नॉट एमिंग एट द मैक्सिमम प्रॉफिट बट दे आर लुकिंग फॉर द प्रॉफिट विच मस्ट बी सेटिस्फैक्टरी, और उस लेवल से ही वो अपने एफर्ट्स को फोकस करती हैं। और जब ये ऑब्जेक्टिव कोई भी फर्म लेकर चलती है तो उस केस में वो एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस की तरफ अपना फोकस फॉलो करती है। द फर्म एम्स एट सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, यानी कि वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ ग्रोथ से खुश रहती है और जो सेल्स है वो भी उसके सेटिस्फैक्टरी लेवल तक होनी चाहिए, तो वो सेटिस्फैक्टरी लेवल को डिसाइड करती है जो उसके मैक्सिमम प्रॉफिट के लेवल से नीचे होता है और उसी को कंसीडर करते हुए वो अपने परफॉर्मेंस को फॉलो करती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस फर्म्स। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में भी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। अंडर दिस ऑब्जेक्टिव फर्म एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटीज इन टर्म्स ऑफ लेजर, बेटर सैलरीज, सिक्योरिटी, प्रेस्टिज एंड कंफर्ट्स ऑफ मैनेजर। यानी कि यहां पर जो फर्म्स हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलती हैं अपने पर्टिकुलर मैनेजर्स की यूटिलिटी को इंक्रीज करना, उसको मैक्सिमाइज करना, उनको बेटर सैलरीज प्रोवाइड करना,
उनको प्रॉपर कंफर्ट सिचुएशन प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको प्रेस्टिज प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने मैनेजर स्टाफ को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। ये वहां होता है जहां एक्सपर्ट लेवल पर मैनेजर्स वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो उन मैनेजर्स को या उन पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करती हैं, और इसके लिए उन्हें बेटर सैलरीज प्रोवाइड करती हैं, उनको प्रॉपर लेजर प्रोवाइड करती हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, प्रेस्टेज प्रोवाइड करती हैं, डिफरेंट कम्फर्ट सिचुएशंस भी प्रोवाइड करती हैं, और इसको एंश्योर करने के लिए ये क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करती हैं। अ क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय सच टाइप ऑफ फर्म्स। इनका मेन फोकस होता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन करना जिससे कि उसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज अपने आप को प्रॉपर कंफर्ट सिचुएशन प्रोवाइड कर सके और अपनी कंप्लीट एफिशिएंसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्किंग प्रोवाइड कर सके। द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयड हेल्थ रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट बेटर एम्प्लॉय रिलेशंस इन पॉइंट को मैक्सिमम लेवल तक फोकस किया जाता है। वो अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ को लगातार इंक्रीज करती हैं, उनके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, फर्म की रेपुटेशन क्या है मार्केट में एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में रिलेशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं, और इस तरह से एम्प्लॉयज़ के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करते हुए फर्म्स मैनेजरियल यूटिलिटीज़ को मैक्सिमाइज करने का ऑब्जेक्टिव फोकस करती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जितना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंपनी के साथ में खड़ा होगा, स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देगा, उतना ही वो कंपनी ग्रोथ करती चली जाती है। यही कॉन्सेप्ट होता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो फैमिली के एक मेंबर को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, फर्म इस ऑब्जेक्टिव के अंदर अपने एम्प्लॉयज को उसी तरीके से ट्रीट करती है, उन्हें वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जो फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है, और इसके बेसिस पर वो अपने हर ऑब्जेक्टिव को, जो भी इसके अलावा और जो भी ऑब्जेक्टिव, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फोकस करती है फिर। लेकिन जो उसका प्राइमरी फोकस होता है वो अपने एम्प्लॉइज की मैनेजरियल एबिलिटीज को मैक्सिमाइज करना होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, ये हम बात कर रहे हैं अबाउट द प्रोडक्शन और आउटपुट की। जब लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करते हैं जो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, वो अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलती हैं लार्ज स्केल पर, यानी कि अपने प्रोडक्शन को या आउटपुट को मैक्सिमाइज करने का। क्योंकि उन्हें लगता है जितना ज़्यादा वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगी उतना ही उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, और उतना ही कम प्राइस को फोकस करते हुए ये प्रोडक्ट में मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करने की पोजिशन में जाएंगी, और उसके बेसिस पर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव करने की पोजीशन में भी आ जाएंगी। इसी वजह से वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो आउटपुट मैक्सिमाइजेशन को फॉलो करती है, और उसके बेसिस पर वो अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को मार्केट में एंश्योर करती है। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच आर फोकस्ड बिसाइड्स द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय द फर्म्स इन द मार्केट। ओके, थैंक यू।